सीहोर से महाराष्ट्र की ओर जा रही कार अचानक पेड़ से जा टकराई। जुलवाना नेशनल हाईवे क्रमांक 3 पर हल्दड़ रोड ढाबे के समीप सीहोर भोपाल पंडित प्रदीप मिश्रा के रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम से अपने गृह ग्राम अमलनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र की ओर जा रही इक्को कार क्रमांक MH19DV6783 अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसमें सवार दो महिलाएं शोभाबाई पति लड़कू पाटिल उम्र 50 वर्ष एवं कमलबाई पति आत्माराम पाटिल उम्र 55 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 6 अन्य कार सवार घायल हुए हैं। घटना करीब सुबह 5:30 बजे की बताई जा रही है, जिसमें जुलवाने टोल टैक्स के पायलट संतोष जाधव एवं बालसमत की 108 व NHAI हाईवे की एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को व मृतकों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जुलवाने लाया गया। वह मौके पर पुलिस थाना जुलवाने का बल मौजूद रहा। राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सालखेड़ा में खेत के कुएं में अज्ञात वृद्ध महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही राजपुर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद वृद्ध महिला की लाश को ग्रामीणों की मदद से कुएं से बाहर निकाला गया। महिला की लाश ग्राम सालखेड़ा के किसान खजान के खेत में मिली है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। एक लाश मिली है। हाँ, ये ग्राम सालखेड़ा के खजान पिता जागीर बारेला, इन्होंने सूचना की इनके खेत में स्थित कुएं पर एक 50-60 साल की अज्ञात महिला का शव पानी में तैरता हुआ मिला, और ये महिला करीबन 8-10 दिन से ग्राम सालखेड़ा में घूम फिर कर मांग कर खाना खा रही थी। इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। आज इसकी लाश मिली है। अज्ञात मृतिका की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है और उसकी पहचान के प्रयास जारी है। शव को खजान बारेला के खेत से नगर पंचायत राजपुर के स्वीपरों की मदद से बाहर निकाला गया। उसका PM अभी करवाया जाएगा और इसकी शिनाख्त के प्रयास किए जाएंगे। ये